कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, मुझे जानकारी थी और मैं कुछ व्यस्तताओं की वजह से नहीं आ पाया, और इसीलिए यह संकल्प था कि आज अपने साथियों के साथ यहाँ जरूर होना है। हालांकि यहाँ जनवादी लेखक संघ की ओर से आज ज़्यादा बड़ी उपस्थिति होती अगर DYFI का एक बड़ा जलसा यहाँ न हो रहा होता, और मुझे भी उसमें कवियों को लेकर जाना था, लेकिन मैं किसी और व्यस्तता के नाम पर उससे छुट्टी ले चुका था। और मुझे जब इसकी जानकारी मिली तो लगा कि इससे छुट्टी लेना किसी भी व्यस्तता के नाम पर एक गुनाह होगा, तो यहाँ आना हमने इसलिए तय किया। मुझे ऐसे मौके पर ज़हूर साहब का, ज़हूर सिद्दीकी का एक वाक्य याद आता है जो कभी किसी ऐसे ही मुहिम के समय उन्होंने कहा था, साथ में जो दो तीन लोग खड़े थे उनके कंधे पर हाथ रख के, भैया बड़ा कठिन समय है, साथ साथ रहो, बड़ा मुश्किल समय है। अभी जो हमारे इस स्पीकर का वॉल्यूम है और हमारी जो संख्या है, इस जंतर मंतर पर ही चलने वाले दूसरे सारे कार्यक्रमों के मुकाबले ये बहुत ही सिंबॉलिक है। कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो प्रतिरोध है वो इसी तरह बहुत सीमित संख्या के साथ चल पाता है, और इसलिए साथ साथ रहना और भी ज़रूरी लगता है। दोस्तों, हम पिछले कुछ समय से लगातार TV पे देख रहे हैं, जिस दिन से LOC वाली घटना हुई है, कि किस तरह की अभिव्यक्तियां TV पे आ रही हैं। इस राज्य की ओर से वैसी अभिव्यक्तियों को प्रतिबंधित करने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं की जाती। कोई एंकर लगातार कह रहा है पिद्दी सा पाकिस्तान, और ये वो घुस के मारेंगे, जितने सिर काटे हैं उतने सिर काट के लाएंगे। क्या ये प्रतिबंधित होने लायक अभिव्यक्तियां नहीं हैं? हम मानते हैं कि अभिव्यक्ति हर तरह की होनी चाहिए, उसके लिए छूट होनी चाहिए, लेकिन कुछ अभिव्यक्तियां जिनको राष्ट्रवाद के नाम पर लगातार छूट दी जाती है और जिसमें राष्ट्रवाद को कहीं भी प्रश्नांकित करने की कोई चेष्टा नहीं होती, ऐसी अभिव्यक्तियों को भी तो लगातार पकड़ने की ज़रूरत है, पर उस पर ध्यान नहीं जाता इस राज्य का। राज्य का ध्यान उन अभिव्यक्तियों पर जाता है जो कमल भारती ने फेसबुक पर व्यक्त की। तो दोस्तों, ये बहुत ही चिंताजनक है। ऐसे घटनाओं की एक पूरी श्रृंखला है, और हमने देखा है कि चूंकि ये लेखन से संबंधित मामला है, इसलिए आम तौर पर वो लेखन की दुनिया में ही उसका प्रतिरोध सिमट कर रह जाता है। हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय में AK रामानुजन का लेख प्रतिबंधित हो गया। जो फांसीवादी ताकते हैं वो हुल्लड़ मचाती रहीं, इतिहास विभाग में घुस के उन्होंने तोड़फोड़ की, और उसके साल भर के बाद किसी न किसी बहाने से उसको कोर्ट से बाहर निकाल दिया गया, लेकिन हम कभी इकट्ठा होकर सड़क पर नहीं निकल पाए। लेखन की दुनिया में वो रहा, लगातार उस पर लेख लिखे गए, पर वो प्रतिरोध उस तरह का बन नहीं पाया। हम लोगों को कोशिश करनी होगी कि कम से कम कमल भारती के मुद्दे पर पिछले तमाम घटनाओं की श्रृंखला को याद रखते हुए इस प्रतिरोध को थोड़ा बड़ा बनाने की कोशिश करें, और इसका जवाब अगर नहीं देंगे और साथ साथ नहीं रहेंगे तो एक एक कर चुन चुन के पकड़े जाएंगे, ये तय है। दोस्तों, इसी अपील के साथ मैं ये बात खत्म कर रहा हूँ।